कम हार्दिक स्वागत आप सभी साथियों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल VM क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिव्यांगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, दिव्यांगों की जो अनुमानित कट ऑफ रह सकती है रीट मेंस लेवल फर्स्ट की, हम जो है कट ऑफ की बात करेंगे। प्रथम लेवल की जो है हम कट ऑफ जानेंगे, कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर्स है BSTCQA लेवल प्रथम के, उनकी बात करेंगे, अर्थात विकलांग श्रेणी की अनुमानित कट ऑफ को हम अंदाज से जानेंगे। साथियों, हम जो भी कट ऑफ्स देख रहे हैं दिव्यांगों की, वो विगत जो कट ऑफ गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसके अनुरूप एक अंदाजा लगा कह सकते हैं। वास्तविक कट ऑफ किसी को भी मालूम नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा PhD धारी क्यों ना हो, इसीलिए आप इसे अन्यथा ना लें। केवल हम आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे हैं कि इतने नंबर यदि आपके बन रहे तो आप टीचर बन जाओगे, और मैं जो नंबर ले रहा हूँ लगभग 10 या 12 नंबर 15 नंबर तक ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि उसी से अंतिम जो है चयन आपका होगा। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं PH दिव्यांग कट ऑफ रीट मेंस लेवल फर्स्ट प्रथम लेवल है ना, कक्षा 1 से 5 दिव्यांगों की कट ऑफ की लेवल प्रथम की बात कर रहे हैं। लेवल 2 में जितने भी सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट थे, पाँचों की जो अनुमानित कट ऑफ है दिव्यांगों की, वो हमने अपलोड कर दी है। रीट मेंस लेवल फर्स्ट की भी कई बार अपलोड कर दिया, लेकिन फिर भी कई साथी और पूछ रहे कि फिर बताओ, तो इसलिए हम बताएं। ठीक है ना साथियों, कट ऑफ देखने से पहले कुछ मोटा मोटा हम और जानकारी ले लेते हैं। रीट लेवल फर्स्ट तो मुख्य है मेन से ना, BSTC वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने BSTC कर रखी है 2 वर्षीय, DLED कर रखी है, वो ही एग्ज़ाम देते हैं, ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और रीट लेवल फर्स्ट में जो है दिव्यांग कट ऑफ लगभग आसमान भी छूती है, मेरा जहाँ तक मानना है, हर बार में छू रही है ना। साथियों, हम जो भी बात करेंगे वो क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे कि 120 से लेकर 125 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं 150 में से, तो आप सिक्योर में हो, नहीं हो, यहाँ से तो आप अपनी कैटेगरी टॉप करोगे। अरे मैं तो बोलता हूँ राजस्थान जो बंदा जो है, कोई भी बंदा अगर 130 से लेकर 135 क्वेश्चन सही कर रहा है तो वो राजस्थान टॉप करेगा, है ना। आप भी जानते हो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक तक वो फर्स्ट रैंक हासिल करेगा मेरे हिसाब से, तो है ना। तो क्वेश्चन ही या मार्क्स से कि इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं ना, इसके आधे कर लीजिए आप, हाफ कर दीजिए तो क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके डबल कर लोगे वापस आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पेपर जो है आपके टोटल 300 नंबर का हुआ था, 300 मार्क्स का नंबर हुआ था, 150 प्रश्न उसमें थे, है ना, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। तो 300 में से नंबर हम देख रहे हैं कि कितने कैसे क्या है, 4 कैटेगरी में इन्हें इंक्लूड किया गया है। 1% जो रिजर्वेशन है, तो 18,000 सीटें हैं नॉन TSP की। अगर हम बात करें, हम जो बात करें वो नॉन TSP कर रहे हैं, नॉन TSP की ही कर रहे हैं, ना कि TSP प्लस, है ना, केवल और केवल नॉन TSP दिव्यांगों की ही बात कर रहे हैं। तो 18,000 सीटें हैं, तो 1% 18 की 1% सीटें BL को है, है ना, 18,000 की 1% इससे, 18% एक इससे, और 18,000 की 1% इस दिव्यांगता को सीट निर्धारित की गई है, रिजर्व की हुई है। 18,000 की 1% यानी कि 180 सीटें इनकी है, थोड़ा मैं बोला ना, 180 सीटें इनकी है नॉन TSP में, है ना, दिव्यांगों की ही बात कर रहा हूँ, 180 इनकी है और 180 इनकी है। सीटें फिक्स है, कैंडिडेट कम है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, और है तो पढ़ने वाले नहीं है, सबसे कम जो कैंडिडेट मिलते हैं, और मिलते हैं तो वो पढ़ते नहीं, या फिर उनकी, क्योंकि देखिए ना कैटेगरी का नाम भी AMI है, है ना, मेंटली इलनेस, है ना, मानसिक विदम्बता, उनमें थोड़ा मानसिक विकार होता है, तो उसकी वजह से वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते हैं, सीटें खाली रह जाती है, इसलिए कट ऑफ कम चली जाती है, कैंडिडेट कम है और उनकी कट ऑफ जाती नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा मेंटल इलनेस होते हैं, मानसिक विकार। एनटी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कैटेगरी जुड़ी हुई है, CP इसमें है, आव इसमें है, एसिड विटामिन्स OL BL कोई सॉरी कैटेगरी, LD कैटेगरी में जोड़ी गई है, पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे इसमें, सब बढ़ते हैं अच्छी तरह के, इसके लिए इनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकती है, इसीलिए अलग अलग जो है सीटें हैं इनकी, 180 सब में हैं, उसके हिसाब से कैंडिडेट के आधार पर जो है निर्धारित होती है कट ऑफ। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं BL LV में, जिसकी 120 से लेकर 125 नंबर बन रहे हैं, अच्छे खासे नंबर है, सेफ जोन में वो सिलेक्शन हो जाएगा, अंतिम रूप से आप चयन ले लोगे। HI कैटेगरी हेयरिंग इंपेयरमेंट में 130 से लेकर 135 जिसके नंबर बन रहे हैं, सिक्योर जेन में हो। LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी की अगर आप बात आती है, तो आप जानते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 125 मेरिट गई थी, कम नहीं होती है ये, हालांकि इसमें माइनस मार्किंग के तो हम मान सकते हैं,
पेपर भी कठिन था हम मान सकते हैं, सीटें भी अच्छी थी हम मान सकते हैं, बहुत कुछ है, तो फिर भी देखिए आप 180 से कम तो जाने वाली नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है 180 से 185 मेल फीमेल SC ST OBC MBC जनरल किसी भी कैटेगरी का दिव्यांग हो, उसकी कोई भी कैटेगरी हो, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, LD कैटेगरी में सब कैटेगरी LD 180 से लेकर 195 अगर आपके शुद्ध नंबर बन रहे हैं आप सिक्योर, काट छांट कर सारे काट लो, अभी तक फाइनल आंसर की आई नहीं, जैसे आई जाएगी मिला लेना, 180 लेकर 185 अगर आप बन रहे तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के आप टीचर बन चुके हैं। MD कैटेगरी में 100 से लेकर 105 तक के बीच सबसे कम कट ऑफ जाने वाली इनकी, 100 से लेकर 105 यदि आपके MIR MD कैटेगरी से बढ़ रहे हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी से, तो आप लेवल फर्स्ट में आराम से अंतिम रूप से चयन ले लोगे। ठीक है ना साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर करना बिल्कुल, ठीक है ना साथियों।